सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज 24x7 को और दबाए इस बेल आइकन को। आज मिथुन एक जाने माने नाम है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मिथुन को दो दो दिन तक बिना खाना खाए गुजारने पड़ते थे। इसके साथ ही उन्हें स्टेशन पर भी सोना पड़ता था। 1976 में मिथुन की पहली फिल्म रुग्या आई थी। एक तरफ जहां इस फिल्म को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला था, वहीं मिथुन को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। फिल्म के प्रदर्शन से पहले निर्माता राजेश्वर राव और निर्देशक मृणाल सिंह ने प्रचारककार आर पाठक से मुलाकात की और कहा कि ये फिल्म काफी लो बजट है और क्या आप इस फिल्म के प्रमोशन का जिम्मा उठा सकते हैं। मृणाल सिंह की बात को पाठक मना नहीं कर पाए, जिसके बाद मुंबई के ब्लेज थिएटर में पत्रकारों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गयी। ये फिल्म आदिवासियों के जीवन पर थी। फिल्म के बाद मिथुन ने पाठक से मुलाकात की और कहा, मैं बहुत बुरे हाल में स्ट्रगल कर रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कभी कभी गौतम गुहा के यहाँ रुक जाता हूँ तो बाकी रातें रेलवे स्टेशन पर बिताता हूँ। मिथुन की एक्टिंग से पाठक प्रभावित थे। उन्होंने मदद का वादा किया और मिथुन की मुलाकात बी एन शर्मा से करवाई। शर्मा ने तब मिथुन को अपनी फिल्म के लिए साइन किया। शर्मा ने मिथुन को साइनिंग अमाउंट तो नहीं दिया, लेकिन 5,000 रुपए का बॉन्ड जरूर दिया। इस पर मिथुन बोले, मैं बॉन्ड का क्या करूँगा, आप मुझे कुछ रुपए दे दो, मैं दो दिनों से भूखे पेट हूँ। लेकिन किसी कारण से ये फिल्म नहीं बन पाई। एक तरफ शर्मा जी की फिल्म नहीं बन पाने का नुकसान था तो दूसरी ओर पाठक के साथ का फायदा। मिथुन अब पाठक के साथ फिल्मों के सेट पर जाते थे, वहाँ पाठक उनकी डायरेक्टरों से मुलाकात करवाते, इसके साथ मिथुन के लिए खाने की भी जुगाड़ हो जाती थी। ऐसे ही एक बार जब दोनों श्री साउंड स्टूडियो पहुँचे तो निर्माता रामराज नाहटा ने पाठक की गुजारिश पर उन्हें दो फिल्मों में ले लिया। इनमें से एक फिल्म तो तुरंत रिलीज हो गई, वहीं दूसरी फिल्म के शूट पर मिथुन को 7 से 8 फिल्मों के ऑफर मिल गए थे। मिथुन ने इस बीच कई फिल्में की, लेकिन 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से ही उन्हें असली फेम हासिल हुआ। बॉलीवुड में 50 सालों से ज्यादा का अनुभव रखने वाले पाठक ये बताते हुए भावुक हो जाते हैं, ऐसा कम ही लोग कर पाते हैं जैसा कि मिथुन ने किया। वो किसी सहारे के बिना अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर स्टार बने। मैं इसे मिथुन का बर्पण ही कहूँगा कि वे मुझे अपने किसी भी दौर में नहीं भूले। आज भी कहीं मुलाकात होती है तो बड़े ही अदब से पाठक दादा कहकर मेरा अभिवादन करते हैं।